अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, या जिसे PBN भी कहते हैं। PBN, आप ऐसे सोचिए, जब आप गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं तो आप दूसरों की वेबसाइट्स, जिनकी अथॉरिटी ज़्यादा बेटर हो, ऐसी साइट से आप रब्ता करते हैं और उनसे गेस्ट पोस्टें लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे अथॉरिटी वाले ब्लॉग्स आप खुद अपने ज़ाती बना लें, 50, 100, 200, 300 या जितने मर्जी, और ऐसी वेबसाइट्स पे जो छोटे छोटे ब्लॉग्स होंगे जिनकी अथॉरिटी भी अच्छी होगी, ऐसे ब्लॉग्स पे अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल लगाएं जहाँ पे आपका लिंक भी हो, आपके क्लाइंट की साइट का लिंक हो या फिर आपकी अपनी ज़ाती साइट का लिंक हो, तो ऐसे नेटवर्क हम कहेंगे PBN, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये होता कैसा है। जी, ये देखिए, ये एक प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क का एक छोटा ब्लॉग है। ये मेरा अपना PBN है, मैं खुद भी ये बनाता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं PBN के अंदर। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ फिलहाल। आम गेस्ट पोस्टिंग जो आप किसी अच्छी साइट पे लेते हैं और जो PBN होता है, इसमें फ़र्क क्या कुछ है, ये फ़र्क नोट कीजिएगा ज़रा। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, बेल इंजीनियरिंग साइट खोलता हूँ अपनी। ये मेरी रियल साइट है, रियल ब्लॉग है। सबसे पहला फ़र्क जो आपको नज़र आएगा, जो रियल साइट्स होती हैं प्रॉपरली डिज़ाइंड होती हैं, ज़रा इनका अच्छा खासा फ़र्क आपको नज़र आता है। दोनों का ज़रा मुआवजा कीजिएगा। ये देखिए, इसके अंदर जस्ट पोस्ट लगी हैं इस तरह की, तो बस, और वो भी तीन चार पोस्टें हैं, तीन पोस्टें हैं इसमें जस्ट। जबकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बेशुमार पोस्टें हैं। तो ऐसा नहीं है कि PBN वाले लोग जो हैं वो कम पोस्टें लगाते हैं। ऐसा भी होता है, जो PBN है, जो लोग अपना ज़ाती PBN या प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क पे दूसरों को इजाज़त देते हैं कि वो लोग लगा लें अपनी पोस्टें, तो उनकी पोस्टें काफ़ी अच्छी खासी ज़्यादा होती हैं। लेकिन मोस्टली जो लोग अपनी अपनी ज़ाती साइटों के लिए बनाते हैं, इस तरह का छोटा ब्लॉग ही होगा, उसमें दो तीन चार पोस्टें होंगी। अब ज़रा इमेजिन कीजिएगा कि इस एक वेबसाइट में सिर्फ तीन आर्टिकल्स हैं। इस एक वेबसाइट की चाहे डोमेन अथॉरिटी 15 हो या 20 हो, लेकिन तीन चार पोस्टों के अंदर दो तीन चार पाँच 10 तक लिंक्स होंगे। कितने लिंक्स इसमें होंगे, तो इसकी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कम होगी, कम जगहों पर होगी, डल्यूट कम होगी, इसका इसकी जो पावर है अच्छी खासी बेहतर रहेगी। दूसरी बात ये थी, जब मर्ज़ी इसको कंट्रोल करें, उड़ा दें इसका लिंक, जब मर्ज़ी इसको लगा लें लिंक, जब मर्ज़ी इसका एंकर टेक्स्ट भी चेंज कर लीजिए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं PBN के अंदर। लेकिन फ़र्क जो था, दोबारा बताऊँ आपको, एक तो उसके डिज़ाइन में फ़र्क आता है। मोस्टली जो लोग PBN डिज़ाइन करते हैं अपनी ज़ाती साइट्स के लिए, ज़ाती साइट्स को सपोर्ट करने के लिए, उनके PBN पे कम पोस्टें होती हैं, जैसे कि मेरी पोस्टें हैं। लेकिन कुछ लोग PBN की पोस्टें सेल भी करते हैं, ये भी अच्छा खासा बिजनेस है जो लोग करते हैं। गूगल इनको गेस्ट पोस्ट ही समझती है, लेकिन जब तक इनको आइडेंटिफाई ना करे, पहली बात यह है कि गूगल को आइडेंटिफाई होने करने से बचाने के लिए ये लोग करते क्या हैं कि हर एक वेबसाइट डिफरेंट एक IP पे होस्ट होगी, डिफरेंट लोकेशंस पे होगी। गूगल इसको देखती है कि ये डिफरेंट है बिल्कुल, हर एक का डिज़ाइन डिफरेंट होगा, हर एक के जो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डिफरेंट होंगे, हर चीज़ डिफरेंट होगी, ताकि गूगल को नज़र आए कि डिफरेंट साइट्स हैं। तो ऐसी साइट्स पे आप देखें, अगर आपकी 20 साइट्स हैं तो आपने अपनी साइट्स पे ही एक पोस्ट लगाई अपनी मेन साइट को सपोर्ट करने के लिए, उसके नीचे 20-25 का PBN बना लिया, फ़र्ज़ किया, तो आपकी साइट को बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अथॉरिटी मिलेगी, बड़ी स्ट्रॉन्ग उसका लिंक जूस मिलेगा, जो कि गूगल में रैंक करने के लिए काफ़ी है। अगर हम देखें यहाँ पे दूसरा इसका फ़र्क, इस आर्टिकल को देखिएगा, ये आर्टिकल छोटा होगा। मोस्टली लोग लगाते हैं इसमें प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क में 250 से 500 वर्ड्स का आर्टिकल लगाते हैं, जबकि अगर आप देखें कोई दूसरी ऐसी वेबसाइट जो कि रियल वेबसाइट है, इसमें 1000, 1200, 1500 वर्ड्स की आर्टिकल्स होंगे, लेंथी आर्टिकल्स, ठीक है ना। तो इसके अलावा एक और फ़र्क इसका आता है कि जब इस पे ब्लॉग लगाते हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, कुछ भी किसी भी टॉपिक के ऊपर लगा लेंगे। अगर असल साइट पे आएँ
तो वहाँ पे प्रॉपरली रिसर्च होके किसी खास टॉपिक के ऊपर ब्लॉग्स होंगे। उसके बाद अगला इसका फ़र्क है कि ऐसी जो ब्लॉग नेटवर्क्स ऐसे जो PBN होते हैं इन पे ट्रैफिक नहीं आती, जबकि आपकी इस तरह की जो साइट्स हैं जेन्युइन साइट्स उन पे ट्रैफिक आती है, वो सही तरह वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और उनकी अथॉरिटी उनकी बाकी चीज़ें अच्छे अंदाज से बनी होती हैं। फ़र्ज़ किया मैंने बेल इंजीनियरिंग को मज़ीद गूगल में रैंक करना हो तो मैं अपनी इस तरह की जो और PBN साइट्स होंगी मैं ऐसी साइट्स पे आर्टिकल लिखवा के उनमें लिंक लगाऊंगा जो लिंक पॉइंट करेगा बेल इंजीनियरिंग को। तो बेल इंजीनियरिंग में खुद की तरफ जाएगा जूस और ये अथॉरिटी और ये जूस इसको गूगल में रैंक करने के लिए काफ़ी इंशाल्लाह होगा। अब बात ये थी कि PBN जो है ये अच्छा होता है कि बुरा। अगर आप ऐसा PBN बना लें जिनकी अथॉरिटी हर डोमेन की अच्छी हो, आपके ज़्यादा डोमेन्स हों, हर डोमेन की अथॉरिटी अच्छी हो, गूगल इसको पकड़ ना सके, आप हर चीज़ डिफेंड करें उसके, गूगल इसको पकड़ ना सके, तो ये गेस्ट ब्लॉग की तरह ही काम करते हैं। गूगल इसको इसी तरह देखेगी, उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलता है। अगली बात थी कि लोग जो इसको सेल करते हैं वो सेल कैसे करते हैं। दोबारा जाता हूँ मैं कल की तरह ब्लैक हैट वर्ल्ड पे, तो आप देखिएगा यहाँ पे साइट पे अगर मैं दोबारा जाऊँ SEO लिंक बिल्डिंग पे, तो ये देखें यहाँ पे अफिलिएट इंटेलिजेंस SEO अल्टीमेट मेगा शट डाउन टू रिफॉर्म गूगल रैंकिंग, ये नहीं, ये D55 नेटवर्क, ये इनका नेटवर्क है, ये इनका प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क है। यहाँ पे बेशुमार लोग PBN भी सेल करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं इनके PBN के ऊपर काफ़ी सारी पोस्टें होंगी, गूगल उनको जेन्युइन साइट की तरह ट्रीट करेगी कि भाई पोस्टें भी अच्छी खासी हैं और कोशिश करते हैं कि उसको हर तरह से जेन्युइन साइट की तरह चलाएं। तो ये लोग ज़रा अगर बेहतर अंदाज से चलाते हों तो फिर क्या होगा, आप अगर PBN बाय करेंगे आपकी साइट जल्दी रैंक करेगी, ये चांसेस हैं। इस तरह अगर देखेंगे गेस्ट ब्लॉग्स की तरफ लोगों का ध्यान यहाँ पे कम होगा बनिस्बत PBN की, PBN बेशुमार लोग बाय करते हैं। तो ये था इसका फ़र्क कि PBN और बाकी जो गेस्ट ब्लॉग्स हैं इनमें फ़र्क क्या है। अभी इसमें ऐसा है कि हम लोग इंशाल्लाह कुछ और वीडियोस करेंगे जिसमें ये बताएंगे PBN को अगर बिल्ड करना हो, अगर आपने अगर ज़ाती PBN आपने बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा वैसे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में तफसील से काम करेंगे। सवाल ये था कि इतने सारे डिफरेंट जो IPs है कहाँ से लोग लेते हैं, तो कैसे सब कुछ करते हैं जो डिफरेंट हो, गूगल जिसको पकड़ ना सके। तो ये एक है वेबसाइट है, इसका नाम है ईजी ब्लॉग नेटवर्क। ईजी ब्लॉग नेटवर्क के ऊपर जाइए, ये आपको सिस्टम देंगे ऐसा, आपने जस्ट नेम ब्लॉग का नेम एंटर करना है, डोमेन उसके साथ लिंक करना है, बस आगे वो अपने आप से डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट जो उसकी होस्टिंग है, डिफरेंट IP एड्रेस, डिफरेंट उसका डिज़ाइन और सब कुछ डिफरेंट कर देंगे। तो मोस्टली जो लोग इस्तेमाल करते हैं जो PBN वगैरह के लिए होस्टिंग इन्हीं की इस्तेमाल करते हैं। हम इंशाल्लाह इनके साथ कैसे काम करना है ये अगले किसी लेक्चर में देखेंगे, ताकि आपका जहन अभी ओवरस्टफ ना हो। तो ये फ़र्क आपको वाजह करना मकसूद था कि PBN क्या चीज़ है और साथ में गेस्ट पोस्टिंग क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक वेट कीजिएगा और जागते रहिएगा, देखते रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।